नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। भाई बहुत एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कंपनी ने 510 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया है और वो भी टाइम से चुकाया है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है। हालांकि उसका असर चार्ट पे सुबह में तो देखने के लिए मिला था, लेकिन मार्केट के आगे सब कुछ फेल है। भाई मार्केट जिधर चलेगा सारे शेयर उधर ही चलेंगे। निफ्टी आधे परसेंट प्लस के साथ ओपन हुआ और अभी जो है 0.17 मतलब कह ले 50 पॉइंट के साथ जो है गिरावट के साथ ट्रेड करा। और इसी का कारण है कि रतन इंडिया पावर में भी अब जो है 14 लाख इक्विटी शेयर लोअर सर्किट लग गए। जहां पे होनी चाहिए थी 5% की तेजी और वहीं पे हो गई है 5% की गिरावट, मतलब सीधा सीधा 10% की गिरावट इसमें आज देखने के लिए मिल चुकी है। लॉजिक के हिसाब से सीधा देखें आज गैप ऑफ ओपनिंग देखने के लिए मिली थी। आप लोग अगर सुबह में देखे होंगे तो पता था, नहीं तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए 6 अक्टूबर 2024 की एक न्यूज निकल के सामने आई और जिसमें कंपनी ने बताया कि हमने जो है 510 करोड़ रुपया जो है वो डेट जो है चुकता कर दिया है। परिवर्तनीय कुछ डिबेंचर वेंचर इन्होंने लॉन्च किया था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और उसका इन्होंने पैसा दे दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा बाह्य ऋण की आंशिक चुकौती के बारे में सूचना, तो भुगतान इन्होंने कर दिया अपने ऋण का, बाहरी ऋण है और उसका ये जो है अपडेट कंपनी ने दिया है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सीधा सीधा कि कंपनी ने जो एक कर्ज लिया था, मतलब अनलिस्टेड कर्ज लिया था, जिसकी सूचना हम लोगों को 23 जून 2023 को दी गई थी। 23 जून 2023 में कंपनी ने एक साल पहले कुछ उधार लिया था और वो जो है कंपनी ने असूचीबद्ध सुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके कंपनी ने 1,125 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाए थे, जो कंपनी बता रही है। और उसी में जो देखेंगे तो 100 करोड़ रुपए जो है अवधि ऋण के रूप में भी था। तो टोटल मिला के 1,125 करोड़ रुपए कंपनी ने, 1,125 करोड़ रुपया कंपनी ने पहले जुटाए थे और उसी का भुगतान करना था। और अभी वही कंपनी कह रही है कि भुगतान कर रही है अपने दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए। कंपनी नियमित रूप से उपर्युक्त ऋणों का जो है भुगतान कर रही है। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि सूचित किया जाता है, यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को कि जो है कंपनी द्वारा समय समय पर किए गए उपर्युक्त पुनर्भुगतानों के परिणाम स्वरूप कंपनी का बाहरी ऋण 510 करोड़ रुपए है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, जिसका भुगतान हो चुका है और अर्थात मूल राशि और उस पर अर्जित ब्याज, मतलब मूल राशि के साथ में मूलधन और ब्याज दोनों साथ साथ कंपनी चुका रही है, जिसमें से 510 करोड़ रुपए चुकता कर दिए गए हैं। ये एक किस्त में नहीं हुआ, कई सारी किस्तों में धीरे धीरे करके जो है कंपनी ने चुकता कर दिया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें दो ऋण है। एक तो 410 करोड़ रुपए का जो है एक ऋण था, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे इन्होंने चुकता कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर का, एनसीडी का, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का, और 100 करोड़ रुपया इन्होंने जो है वही सावधि ऋण का पे किया है। तो टोटल मिला के 510 करोड़ रुपये इन्होंने मतलब पे कर दिया है। वहीं कंपनी डिवेंचर ट्रस्ट डीडी के अनुसार श्रृंखला 1 और 3 के गैर परिवर्तनीय डिवेंचर के मूलधन और ब्याज की अदायगी जारी रखे हुए हैं। तो आगे भी इनका जो भुगतान कंपनी करने वाली है और इसी को रिकॉर्ड पे लेने पे के लिए जो है एक्सचेंज को बोला है। तो ये एक बड़ी न्यूज आई थी। 510 करोड़ मामूली रकम नहीं होती है, मतलब आधा कम से कम कहेंगे कर्ज कंपनी ने अपना चुकता कर दिया, आधा और बाकी है तो उसको भी धीरे धीरे चुकता कर देगी। ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। आज अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो इसमें 13 नंबर आप लास्ट डील भी ट्रेड होती हुई दिखी है और इस तरह से इसमें आज ट्रेडिंग हुआ है। मार्केट ओपन तो हुआ गैप अप के साथ, उसके बाद पैनिक, धीरे धीरे गिरावट आई, थोड़ा सस्टेन किया था लेकिन अब फिर से जो है ब्रेक डाउन नीचे के साइड में दे दिया। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हुआ। ये बेस लाइन है कल के क्लोजिंग प्राइस की, इसके इतना ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद फ्लैट हुआ, उसके बाद निगेटिव हुआ और अब जो है सस्टेन करके नीचे भी आ रहा है। यही एक अपडेट था। आज अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में भी आ गया था, मतलब ये दूसरी ताकत थी इसमें आज तेजी होने के लिए कि स्टेज 2 से शेयर जो है स्टेज 1 में भी आ गया था,
तो इस वजह से भी पॉजिटिविटी इसमें बनी थी और इस वजह से भी इसमें तेजी देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो न्यूज भी फेल मार गई और ये वाली न्यूज भी फेल मार गई। दोनों वजह से तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन 5% का अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसमें टोटल ट्रेड हुआ है, 2.2 सवा 2 करोड़ इक्विटी शेयर, 35 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, 62% का अच्छा खासा इसमें डिलीवरी परसेंटेज हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर बात करेंगे इसके चार्ट की, तो चार्ट पे देख सकते हो 3 दिन एक बड़ी बड़ी जो है ग्रीन कैंडल बनाया, कल एक प्रॉफिट बुकिंग वाली रेड कैंडल बनाया, आज देखिए यहाँ पे कैंडल बता देगी आपको कहाँ पे, कल का जो हाई था ना उसी पे यहाँ पे ओपन हुआ एकदम बिल्कुल हाई पे, और फिर वहाँ से गिरावट देखने के लिए, मतलब अच्छे खासे गैप अप के बाद आज गिरावट देखने के लिए मिली है, तो भाई जबरदस्त। और लोअर सर्किट कभी लग रहा है, कभी छूट रहा है, कभी लग रहा है, देखिए अभी छूट गया है 2 पैसे से, इसका लोअर सर्किट छूटा है जो लगभग देखेंगे तो 45,000 इक्विटी शेयर बाइंग साइड में लगे हुए हैं, बाकी 51 लाख जो है सेलिंग की साइड में लगे हुए हैं। तो ठीक है, देखेंगे अब, देखिए क्या करेंगे, अब तो न्यूज़ तो बढ़िया बढ़िया आई थी, लेकिन देखेंगे। ठीक है, होल्ड करके रखना है, खरीदारी करने का वैसे भी मैं आपको बोला था कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। होल्ड करने का व्यू रहेगा 14.5 रुपये, 13.5 रुपये, दो नीचे का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, आप लोग उसको चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक करिएगा। देखिए अब देखिए 0.7% अभी दिखा रहा था 1.7 ना, अभी देखिए 100 पॉइंट की गिरावट हो गई। अब आईटी भी देखिए अब फ्लैट हो गया, और बैंक निफ्टी में भी 0.5% की गिरावट आ गई, मतलब दिक्कत है भाई, 5-7 दिन से मार्केट में दिक्कत है, भले ही लोग बोले कि मोटिवेट कितना भी करें, लेकिन मार्केट जो है भाई वो अपने आप से चलेगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा दबा के आप।